क्रिकेट कैप्टन्स ने ना दुनिया में एक नया ट्रेंड जिसे कहते हैं वो उसे इंट्रोड्यूस करवाया है। कुछ लोग अपनी वाइफ के साथ सोते हैं, कुछ अपने बच्चों के साथ सोते हैं, कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोते हैं, कुछ अपने टॉयज़ के साथ सोते हैं, कुछ अपने सॉफ्ट टॉयज़ के साथ सोते हैं, कुछ अकेले भी सोते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा अकेले सोते हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है ना, उसमें जनाब क्रिकेट कैप्टन्स कोई ट्रॉफी जीते हैं, कोई मेजर उनको लगता हो तो वो उसके साथ सोते हैं। रोहित शर्मा का आपने देखा, वर्ल्ड टी ट्वेंटी के साथ रोहित भैया जो हैं उन्होंने कहा आओ, बड़ा टाइम तुम्हारा इंतज़ार किया है, आज तो हम तुम साथ सोएंगे, ख्वाब में भी एक दूसरे के साथ गप्पे लगाएंगे। तो वहाँ पर वो चेक किया। अब नजमुल हुसैन शांटू, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो ना उसके साथ सोए जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने डेब्यू सीरीज जीती है ना, वाइट वॉश किया है हमें सफ़ेदी, मुंह से लेके नीचे हर तरफ मलमुल दी है सफ़ेदी हमें, उस ट्रॉफी के साथ वो उस जनाब सो रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर है, पसंद आई है वैसे मुझे तस्वीर, ये मानना पड़ेगा। एक औरत ना घर में ना कामकाज कर रही थी, हाथ शायद गंदे थे उसके, इतने में बेल हुई, जाकर उसने दरवाज़ा खोला, सामने एक फ़कीर खड़ा था अपना झोला लेकर, उसने कहा कि बीबी कोई सदका खैरात कर दो। औरत ने कहा अच्छा ऐसा करो, मेरे तो हाथ गंदे हैं, वो सामने जो स्टोर है ना उसमें वो अनाज से भरा हुआ पड़ोला, पेटी, डब्बा, जो भी तुम समझ लो वो है, तो उसमें से जा करना है, एक बुकल अनाज उठाकर अपने झोले में डाल लो। फ़कीर ने कहा ठीक है। फ़कीर गया स्टोर में, जनाब उसने वो डब्बा शब्बा या जो भी वो पड़ोला शोला या जो भी था उसको खोला, डब्बा अंदर से खाली, अनाज का एक दाना नहीं उसमें। अब फ़कीर देख ही रहा था तो पीछे से औरत भी आ गई, उसने जब पहले फ़कीर को देखा फिर उसने डब्बे को देखा, तो फ़कीर को देख कर कहती है वाह चौधरी, मैंने तुझे एक बुक्कल कहा था, तूने तो पूरे का पूरा डब्बा ही खाली कर दिया, इधर दे अपना झोला। उसने उसके झोले में से सारा कुछ निकाल कर डब्बे में डाला, ठीक है, अनाज या जो भी कुछ था, और उसमें से एक बुकल भर के वापस फकीर को देकर कहती है कि चल मेरा वीर, अयाशी कर, छुट्टी कर। ये हुआ है हमारे साथ, बांग्लादेश ने हमारे साथ ये किया है, क्योंकि बांग्लादेश के आने से पहले जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स, हमारे अपने इवन इनफैक्ट टेस्ट टीम के कप्तान, वो जो स्टेटमेंट्स उस टाइम दे रहे थे, उन सारी स्टेटमेंट्स का ना जिसे कहते हैं कि वो एक ही उसमें कर करके ना तो वापस पकड़ा के, तो उन्होंने कहा कि जाओ छुट्टी करो। और वो जो एक ये वो जिसे कहते हैं एक बुकल जो हमें मिली है ना, वो पता है क्या है कि हम खेले हैं टेस्ट मैचेस दो बस, और उसमें चलो थोड़ी बहुत ही चीदा चीदा जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी इंक्लूड कर लो, असल जो डब्बा भरा है ना वो बांग्लादेश वालों ने भरा है, वो उन्होंने बाकी उस औरत की ना हमें शान पति किया, ना कोई बड़ी स्टेटमेंट दी ना कुछ और दिया, चुप चुपीते आए, दो टेस्ट मैचेस खेले, हमें जिसे कहते हैं मांडू लगाया, ठीक ठाक किस्म का लगाया, और उसके बाद अब वो निकल जाएंगे इंडिया के लिए, अब वो जाकर इंडिया में दो टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेंगे, और उन्होंने ऐसा हमें धोया है कि यार अंदाज़ा करो, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक्स इंडियन क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं कि यार इनको हल्का मत लेना, पाकिस्तान को अभी जिसे कहते हैं धो धा के आए हैं फलाना टिमकाना। मैंने कहा यार ये चेक करो यार, अब मैं सोच रहा हूँ क्या क्या हमने इतनी बुरी मार खाई है कि इंडियन टीम को कहा जा रहा है कि यार तुम बांग्लादेश से थोड़ा सा ज़रा ध्यान से करके खेलना, मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी भी लेवल के ऊपर, लेकिन इट्स काइंड ऑफ जिसे कहते हैं ना हैरानगी वाली बात है। हाँ ठीक है स्पिनर्स और वो स्पिनिंग विकटें होती हैं इंडिया की, बांग्लादेश के स्पिनर्स अच्छे हैं, देर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट, लेकिन जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है वो होम कंडीशंस में, इन पर्टिकुलर अगर मैं टेस्ट मैचेस में बात करूँ, तो वो स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं। तो खैर उसको तो छोड़ो, बाकी जहाँ तक बात रह गई वो कर कुर लेंगे जब वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, वो कहते हैं ना कि जब आएगा ना मौका तब की तब देखेंगे, तो मौका तो वैसे आया हुआ है, मौका ये है कि यार देखो बात बड़ी ज़रूरी है इसलिए बार बार करनी पड़ रही है मुझे ना, अपना आप वो जिसे कहते हैं ना इस मामले में छोटे मियाँ साहब वाला लगना शुरू हो गया है, लेकिन वो मेरी इंस्पिरेशन है वैसे इस मामले में। कौन सा मामला बताता हूँ, छोटे मियाँ साहब से मैंने ये सीखा भाई जान पक्के हो जाओ, वो जिस तरह पक्के हो गए, वो उन्होंने कहा था ना उनकी शोरा आफाक स्टेटमेंट है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मजबूरी है, मैं भी पक्का हो गया हूँ। मैं कहा मियाँ साहब अगर आप इस लेवल पर जाकर इतनी इंस्पिरेशन, मतलब इतना सॉलिड आप सख्त लोंडा बने, मैं क्यों नहीं बन सकता, आप जैसे मियाँ साहब कर रहे हैं वैसे मैं कर रहा हूँ, कि देखो यार मांगने नहीं आया मजबूरी है, यहाँ पर इतना प्यार मोहब्बत दिखाते हो
यूट्यूब, वही एपेक्स स्पोर्ट्स, ठीक है, यही नाम सर्च करो, वहाँ पर चैनल बना हुआ है, जाओ जाकर सब्सक्राइब करो, बेल का निशान दबाओ, अब घंटा दबा दो को मुझे पता चले कि यार मेरे दोस्त यार ये मेरे जितने फैंस हैं इतनी प्यार मोहब्बत देते हैं, वो वहाँ पर भी ना जैसे कहते हैं प्यार मोहब्बत की बारिश कर दो, मैं प्यार का बहुत भूखा हूँ यार, ज़िंदगी में मिला नहीं सही करके ना, वो सच्चा प्यार जो है ना वो मिला नहीं, वो मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे नहीं मिला और दूसरे मेरा फेवरेट बाबर आजम, हम दो ऐसे हैं, हमें ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिला, मिल जाता ना तो ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख देते, लेकिन नहीं मिला, तुम दे दो यार बाबर भाई को, तो फिलहाल अभी तो नहीं मिलने के चांस, रन शंस करना शुरू करेंगे दोबारा से तो फिर मिल जाएगा, मुझे तो अभी चाहिए, और मेरा तो खाता भी आसान से है, कुछ भी नहीं करना, बस ये एक टैब में अब तुम लोगों ने ये मुझे देख रहे हो, दूसरी टैब में YouTube खोलो, वहीं पर ये मेरा चैनल सर्च करो एपेक्स स्पोर्ट्स, सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल का आइकन दबा दो, बस ये छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ना नहीं करना यार प्लीज़, दिल टूट जाएगा मेरा, फिर मैं चला जाऊँगा, फिर तुम किसी और को देखते रहोगे ना, ऐसे ही आकर खबरें पड़ेगा तुम्हें क्रिकेट की बारे में बता देगा, फिर तुमने कहना कि नहीं यार वो फारूक अच्छा था वापस लाओ किसी तरीके से, लेकिन फिर मैं वापस नहीं मुड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ, तो बस अभी जाके सब्सक्राइब करो। बाकी जहाँ तक बांग्लादेश के कैप्टन नजमुल हुसैन शांटू की बात है, डेब्यू हुआ था 2017 में, 2017 से 2022 तक ना भाई का कोई इतना खास सीन नहीं है, भाई का सीन बना वर्ल्ड T20 2022 में, हाईएस्ट रन गेटर थे ये उस टूर्नामेंट में फॉर बांग्लादेश, वहाँ से जनाब शुरू हुए और 2023 तो भाई साहब जिसे कहते हैं कि मिदास टच साबित हुआ अपने शांटू भाई के लिए, उन्होंने जिस फॉर्मेट में हाथ डाला पहल के रख दिया भाई साहब, BPL में मेरा ख्याल है ही इज़ द फर्स्ट बांग्लादेशी बैटर के जिसने 500 प्लस रन स्कोर किए हैं एक सीज़न में बांग्लादेश के में, ठीक है ना, BPL में। फिर उसके अलावा इनकी ना मैंने भी कहीं एवरेज भी की थी, टेस्ट क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, उस साल तीनों में ही वॉज द लीडिंग रन गेटर, एम इन्हीं कप्तान बना, उसके अंदर वो कुछ था तो इसी वजह से उसे कप्तान बनाया गया, लीडिंग रन गेटर था, 1650 अगर मैं गलत नहीं हूँ इनके रन थे, 42 की बैटिंग एवरेज थी, ये 2023 का मैं बता रहा हूँ, और 2017 से 2022 में 22 की बैटिंग एवरेज है, चेक कर रहे हो कितना डिफरेंस आया है शांटू भाई में, तो वो फिर बनता है ना हिसाब किताब, नंबर तीन के ऊपर हम ही तो नहीं बैटिंग करते ना, नंबर तीन के ऊपर आपको पता है बड़े मेन बैटर बैटिंग करते हैं, तो खैर शांटू भाई की जो तस्वीर है वो मज़ेदार है यार, ठीक है भाई, वेल डिजर्व्ड, आपकी टीम बहुत सुथरा खेली है, ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग कह रहे हैं पाकिस्तान हार गया, मैं क्रेडिट देता हूँ बांग्लादेश को भाई, अब बांग्लादेश जीता है, बांग्लादेश ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, आप लोगों ने पता नहीं फुल मैचेस देखे कि नहीं, आप उनकी बॉलिंग चेक करें, आप उनके पेस बॉलर्स का रिदम, लाइन लेंथ, उनकी पेस चेक करें, हसन बहुत ज़्यादा पेसर नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी पेस नहीं जनरेट करता जैसे नाहिद करता है, ठीक है, लेकिन हसन अपना पूरा जोर लगाते हुए नजर आया, नाहिद पेसर है जर्मन हार्ड कोर, ठीक है ना, मतलब वही 145 से 150 वाला सर, उसने फिर 145 से 150 पर ही गेम रखी है, वो बीच बीच में एक आदि ना नीचे की करता था दाना डालने के लिए, क्योंकि उससे अगली गेंद वो मारता था शराटेदार किस्म की, अब 135 एक गेंद खेली, अभी आपने 130 की तो आप ढीले पड़ जाते हैं कि 130 अच्छा, अगली वो मारता था 145 से 147 की, 145-147 की, अब 130 से अगली सीधा 147 की आएगी, भाई साहब यकीन करो आपके तो मसल नहीं तब हिलते, पूरी बॉडी का हिलना तो बहुत दूर की बात है, ये हमारे साथ हुआ, फिर हमने जनाब हमने बैटिंग बहुत बुरी की, बहुत बुरी हमारी बैटिंग बिल्कुल फारग हुई पड़ी हुई है, हम बॉलर्स को दोष देते हैं लेकिन यार बॉलर्स को क्या कुछ, उन गरीबों को दो भी तो सही ना, पिंडी की विकेट के ऊपर बेशक थोड़ी ट्रिकी विकेट थी, अच्छी विकेट बनी हुई थी, ये 185 यार, जबकि पता भी है कि यार उनकी अच्छे खासे उनके पास डिसेंट बैटर हैं, तो 200-250 को 300 रन का तो टारगेट देते, फिर इनको कोई आप इनको पकड़ने की कोशिश भी करते बॉलर्स को अपने कि तुमसे ये नहीं टारगेट डिफेंड हुआ, खुद सोचो यार 30 रन उन्होंने वो उनको डिफेंड कर सकते थे वो पहले टेस्ट मैच में, हैं बताओ खुद, तो वेरी वेल प्लेड यार, बांग्लादेश ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, मज़ा आया उनकी क्रिकेट को देखकर, लिटन दास की सेंचुरी बड़ी ज़बरदस्त थी, मेहदी ने जो 70-70 प्लस की इनिंग्स खेली हैं, क्या फाइट बैक दिया उस बच्चे ने यार, आउटस्टैंडिंग बेहतरीन,
वेल डिजर्व सर, आप बेशक ट्रॉफी को लेकर सोएं, नहाएं, खेलें, कूदें, जो मर्जी करें, वेल डिजर्व, वेल डिजर्व, हम अपनी उस बुक्कल में खुश हैं। ठीक है, चलो कुछ तो मिला। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।